फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर खाऊ गली। आज की जो रेसिपी है वो मैं बनाने जा रही हूँ आज, बेसन के चीले। तो बेसन के चीले जनरली जब आप बहुत फेडअप हो जाते हो रोज़ रेगुलर खाना खा के, रोटी सब्जी दाल चावल एंड ऑल, तो कभी कभी दिल करता है कि कुछ लाइट खाएं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं हो, एकदम सिंपल सोबर हो। तो ये सोच के आज मैंने एकदम सिंपल सी रेसिपी ली है बेसन के चीले, जो जनरली लोग बनाते ही हैं। तो लेट्स सी कि मैं किस तरीके से आई एम गोइंग टू मूव अहेड विद दैट, एंड आई होप यू आर गोइंग टू एन्जॉय इट। तो सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे एक बाउल में थोड़ा बेसन ले लिया है, और इसमें सिंपल इंग्रेडिएंट्स ही मैं डालने वाली हूँ, लाइक ग्रीन चिलीज। आई हैव चॉप 2 to 3 ग्रीन चिलीज, लिटिल बिट ऑफ कोरिएंडर, 1 टोमेटो, 1 अनियन फाइनली चॉप्ड, एंड माय रॉक सॉल्ट एंड मैजिक मसाला। सो दीज आर गोइंग टू बी द सिंपल इंग्रेडिएंट्स ऑन एंड यूजिंग देम आई विल बी मेकिंग दिस बेसन का चीला। मैंने यहाँ जो बेसन लिया था उसके अंदर थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल दी है, एंड अब मेरे जो भी इंग्रेडिएंट्स थे लाइक ग्रीन चिली एंड अनियंस जो मैंने लिए थे स्टार्टिंग में, 1 chopped 1 bowl कंप्लीट फिल्ड विद दैट, एंड टोमेटोज, ये सब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अलॉन्ग विद कोरिएंडर। सो दिस, अब मैं इसको अच्छे से पानी डाल के मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड, हमारा बैटर जो है वो अच्छे से रेडी हो गया। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। इसे बहुत पतला भी नहीं रखना है और बहुत गाढ़ा भी नहीं करना है। अब मैंने यहाँ पे अपना पैन रेडी कर दिया है। अब अप्लाइड ऑयल ऑन दैट। आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, घी भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप खाना पसंद करें। नाउ आई विल बी जस्ट पोरिंग इट हियर द बैटर। I'll be just spreading it out. Yes. So friends, आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से spread out हो गया है, and now I'll be just putting the lid over it so that it can be cooked nicely and we'll leave it for next 4 to 5 minutes. फ्रेंड्स, जब तक कि हमारा चीला बन रहा है तब तक मैंने एक बाउल में कर्ड ले लिया है। जस्ट लुक एट द डिज़ाइन ऑफ दिस बाउल, आई रियली लव डेट। एंड मैंने यहाँ पर थोड़ा टोमेटो सॉस भी ले लिया है, सो यू कैन हैव इट ईदर यूजिंग द कर्ड और द टोमेटो सॉस, बोथ द ऑप्शन आर अवेलेबल विद यू। एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन इवन हैव मसाला छास, इट इज़ अमूल मसाला छास, रियली आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड हियर इज माई फेवरेट ब्रांड अगेन, चेरोज ट्रे इन विच आई बी जस्ट पुटिंग दिस पर्टिकुलर चीला। एंड आप देख सकते हैं टेरो ब्रांड के ही मैं सभी क्रॉकरीज यूज करती हूँ बिकॉज आई लव इट। एंड सो हियर इफ वी लुक टूवर्ड्स अवर चीला, सो दैट इज परफेक्टली रेडी, परफेक्टली रेडी। कैन यू जस्ट सी द यू नो क्रिस्पीनेस ऑफ दिस? येस, नाउ इट इज परफेक्टली रेडी। आई जस्ट क्लोज द गैस, आई टर्न ऑफ द नॉब, एंड हियर गोज माई चीला। यस, सो फ्रेंड्स यू कैन सी आई जस्ट पुट लिटिल बिट ऑफ चॉप्ड ऑनियंस एंड कोरिएंडर व्हाट आई हैव लेफ्ट, यस लाइक दिस ओवर इट, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कच्चे प्याज और धनिया, कोई भी चीज़ रॉ खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, एक अलग ही फ्लेवर और टेस्ट आता है, आप देखेंगे। तो यस, हियर वी गोज। तो हमारा जो आज का रेसिपी है चीला इज़ रेडी, बेसन का मसाला चीला। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन इवन ऐड द मसाला मैजिक विच आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू, कैच मसाला मैजिक ऑन इट, उससे भी इसके ऊपर बहुत अच्छा एक फ्लेवर आएगा। आई होप यू विल एन्जॉय दिस रेसिपी, एंड जस्ट डू शेयर योर कमेंट्स दैट हाउ गुड यू फाउंड दिस रेसिपी, एंड आई होप यू विल जस्ट एन्जॉय हैविंग इट। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।